ओम सभी को सब नमस्ते। सजनों, आज हम बात कर रहे हैं सहतूत के फल की। जो सहतूत वृक्ष होता है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सहतूत का वृक्ष है और इस पर फल भी लदे हुए हैं, बहुत स्वादिष्ट फल। अर्थात आजकल मार्च और अप्रैल के महीने में ये भारतवर्ष के कई राज्यों में बहुतायत में मिलता है। तो मेरा ऐसे भाई बहनों से आग्रह है, जिनकी पहुँच में है, जो प्राप्त कर सकते हैं, जो सहज में ले सकते हैं, उन वृक्षों से तोड़कर या बाजार से, जैसे भी, बहुत ही अच्छा फल है। जहाँ ये स्वादिष्ट है, सुमधुर है, अच्छे रस को लिए हुए है, वहीं इसके और बहुत सारे हमारे शरीर के लिए फ़ायदे हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या फ़ायदे हैं। सज्जनों, कई सज्जन तो इस सहतूत के फल को खट रसा, यानी कि जब खट्टा मीठा होता है तब खाना पसंद करते हैं, आधा कच्चा आधा पका, कई बिल्कुल पक जाता है तब खाना पसंद करते हैं, वो तो अपनी अपनी पसंद के ऊपर होता है। लेकिन इसमें कई किस्में भी होती हैं, कई लंबे सहतूत होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ छोटे गोल होते हैं। जैसे मेरे पास है, ये अपने जो वृक्ष पर लगे हुए हैं, ये इस प्रकार के सहतूत हैं। हल्का ये कच्चा लाल, आधा लाल आधा पका है, और ये काले हो जाते हैं पकने के बाद। बहुत स्वादिष्ट और सुमधुर प्रकृति ने इसमें कैसे रस भरा है, परमात्मा ने कहाँ से मिठास भरी है। तो सजनों, इस सहतूत के खाने से हमें लीवर की समस्या से छुटकारा मिलता है। ब्लड शुगर में बहुत लाभकारी है सहतूत का फल, हमें खाना चाहिए जहाँ से भी उपलब्ध हो सके। और इसके अलावा ये हमारे तनाव को कम करता है, अर्थात बीपी इत्यादि को मैनेज करता है, उसे सुव्यवस्थित करने में बहुत मददगार है सहतूत का फल। और सज्जनों, हमारे जो डाइजेशन में गड़बड़ रहती है, अर्थात पाचन संस्थान जब हमारा गड़बड़ रहता है, यानी कि कब्ज रहती है, उसमें कब्ज में बहुत विशेष लाभकारी है सहतूत का फल। बहुत अच्छा हाजमा करता है, रक्त शोधक है, रक्त वर्धक है, खून की वृद्धि करता है शरीर के अंदर, बहुत उपयोगी फल है। और इससे हमें अनिद्रा में भी लाभ मिलता है, जिनको नींद की समस्या है उन्हें सहतूत खाने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, अच्छी नींद आती है। और सज्जनों, सहतूत के जो पत्ते आप देख रहे हैं, ये हरे हरे पत्ते, यदि हमें कहीं फोड़ा फुंसी है, ऐसा कोई चोट लग गई है, उनको उबाल लें और उनसे उस हिस्से को धोएंगे तो जख्म भरने में भी ये बहुत जल्दी लाभ करता है। हमें गले में कुछ इन्फेक्शन है तो इसके पत्तों को उबाल करके गरम गरम गुनगुने पानी से गरारे करने से भी यह गले के इन्फेक्शन को बहुत जल्दी ठीक करता है। त्वचा में कहीं कोई दाग धब्बे हो गए, कोई खुजली हो गई किस तरह की, उसमें भी बहुत लाभ करता है ये सहतूत। और इससे आप दातुन करें डंडी तोड़ के, तो दातुन से दांत बहुत अच्छे साफ़ होते हैं, और इसकी छाया बड़ी निरोगी है, बहुत अच्छी रहती है जब हम सहतूत की छाया में बैठते हैं, बहुत गहरी छाया। तो सज्जनों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि ऋतु के अनुसार, परमात्मा ने जो ऋतु अनुसार फल हमारे प्रकृति में सजाए हैं, उनके अंदर मधुर रस भरा है, अच्छे अच्छे रंग उनके अंदर भरे हैं, उन फलों का हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 18 के 18 पोषक तत्व इनके अंदर मौजूद हैं, हमें उन 18 पोषक तत्वों की अपने शरीर में पूर्ति करने के लिए परमात्मा की इस अद्वितीय रचना सहतूत जैसे फल का भी ऋतु के अनुसार अवश्य लाभ लेना चाहिए। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद, ओम।